नाज़रीन प्रोग्राम आखिर छा कज में आऊं तवान मेज़बान अली रज़ा मंगी तवान जा रवाज़ रहा। नाज़रीन गुज़िरियल ॾींहुं सिंध हाई कोर्ट आई जी सिंध के हटाइण जो या जेका एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न आहे उनखे लिखियो त हुकुमनामो जारी कयो त उनखे हटाए को अहल ऑफिसर मुक़रर कयो वञे या राय ॾिनी वञे त हीअ इन उहिदे जे लाइ अहल आहे या न। उन ते अॼु सिंधरे वारे वज़ीर सैद मुराद अली शाह तकरीब के खिताब कयो। उन जे दौरान उन जो ज़िक्र कयो, साफ़िन जा सवालन जा जवाब ॾींदे उन चयो त दुआ ज़हरा केस में असां कोशिश करे रहिया आहियूं ऐं हुन जो इहो चवणु हो त असां जेको आई जी मुक़ररु कंदा आहियूं त उहो वफ़ाक़ ऐं सूबो गॾिजी मुक़ररु कंदो आहे ऐं हुन जो चवणु आहे त अदालत इंतिज़ामिया खां पुछी वठे हा, ॼाण मालूम करे वठे हा, अदालतुनि जो एतराम आहे पर इहो हुकुम इहो जेको उन्हनि हुकुमनामो जारी कयो आहे इहो नामुनासिब आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर वधीक छा चयो, अचो त ॾिसो। पर इहे इशू हुआ है जहां तक मुझे पता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कराची में दो हुए थे, दो बच्चियां वो गायब हुई थी, बाद में पता चला अंडर एज थी, इन्होंने शादियां कर ली जो कि हमारे कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक नहीं कर सकती। अंडर एज बच्चियां शादी, हमने ये लॉ पास किया हुआ है, शादियां पंजाब में हुई, एक उनमें से आ गई वापस, दूसरे के पेरेंट्स आ नए, जो पेरेंट्स के साथ हो रहा है मैं उसका बड़ा एहसास है, उसको मैं समझ सकता हूँ। उसको पहले पंजाब में लाहौर में ट्रेस हुए, हमारी पुलिस उधर गई, कोशिश की, वहां से वो निकल गए, वो केपीके में इस वक्त है। कल कोर्ट में पहले तो जहां तक मुझे बताया गया टाइम दिया जज साहब ने कि फ्राइडे तक आप कर लें, बट उसके बाद फिर नाराजगी का इजहार किया और आईजी जो हमारे एक्टिंग आईजी थे उनसे उनके लिए कुछ ऑर्डर्स उन्होंने पास किए। मैंने कहा मैं एहतराम है कोर्ट्स का लेकिन एक नामुनासिब किस्म का मैं कहूँगा ऑर्डर था, अगर कोई ऐसी इश्यूज थे तो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लेते। और जो मैंने क्या किया उसके बाद, बिकॉज जैसे मुझे पता चला मैंने इमीडिएटली कल चीफ मिनिस्टर केपीके से भी बात की है कि हमारी मदद करें। नाज़रीन सिंधरे वारे वज़ीर सैद मुराद अली शाह की ॻाल्हि ॿोल्हा ॿुधी असां राब्तो कयो आहे सीनियर तर्ज़े निगार आहिनि सीनियर कानूनदान आहिनि शहाब ओस्तो साहब, असांखे जॉइन कयो आहे। शहाब साहब प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। शहाब साहब गुज़िरियल ॾींहुं दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट आई जी खे हटाइण जे हवाले सां ॻाल्हि कई त आई जी सिंध खे हटाए वञे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जे हवाले सां ॻाल्हि साम्हूं आई त राय ॾिनी वञे त को अहल ऑफिसर हुजे त उनखे मुक़ररु कयो वञे या जेको हिन वक़्तु एक्टिंग आई जी सिंध पुलिस आहे त उहो इन उहिदे जे लाइ अहल आहे या न। अॼु सिंधरे वॾे वज़ीर तकरीब खे ख़िताबु कयो आहे ऐं शाह साहब चवे थो त अदालतुनि जो एहतराम आहे, असां हमेशह अदालतुनि जो एहतराम कयो आहे, अदालतुनि जे हुकुमनामनि ते अमल दरामद कयो आहे, पर जेको आई जी खे हटाइण वारो जेको हुकुमनामो अदालत जो आहे त उहो नामुनासिब आहे, त जेके रिमार्क्स हुजनि था ऐं जेके लिखत में जेको ऑडर हुजे थो उनजी कहिड़ी हैसियत हुजे थी ऐं जेको हीउ मामिलो आहे, छाकाणि त सिंध जो वॾो वज़ीर चवे थो त असां आई जी मुक़ररु कंदा आहियूं वफ़ाक़ जी मर्ज़ी सां, माना गॾियल मुशावरत हूंदी आहे उनखां पोइ आई जी सिंध या आई जी पुलिस जेको आहे उहो मुक़ररु कयो वेंदो आहे। जी सभ खां पहिरियों त उसूली तौर ते इहा ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे त जेके असांजूं जेके कोर्टूं आहिनि अदालतूं आहिनि उन्हनि जो जेका अफसरनि जी अपॉइंटमेंट थिए थी उन सां को वास्तो नाहे न हुजणु घुरिजे ऐं आई जी केरु थो लॻणु कंहिंखे था लॻाइनि उहो कमु जेको आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हुकूमतनि जो आहे। हा जेकॾहिं को आई जी अहिड़ो लॻो आहे जेको ग़ैर क़ानूनी तौर ते लॻो आहे त उनजी जेका अपॉइंटमेंट आहे तव्हां उनखे चैलेंज करे सघो था, उन खां पोइ उन ते को फ़ैसिलो जेको बि अचे थो कोर्ट्स जो उहो ज़ाहिर अप्लाई करिणो थो पवे। पर हाणे हिन सूरत हाल में छा आहे त इहो जेको आई जी लॻो हुयो हिन में सिंध हुकूमत जेको अॻूणो आई जी हुयो मुश्ताक महर साहिबु उनखे हटाए छॾियो, उहो 22 ग्रेड जो ऑफिसर हुयो ऐं उनजी जॻह ते इहो जेको आई जी हुयो आर्ज़ी तौर ते लॻायो वियो हुयो माना खानापुरीअ लाइ, हिन जी पंहिंजी बि शायदि रिटायरमेंट हाणे ॿिनि टिनि महीननि में थियण वारी हुई, 21 ग्रेड जो आहे कामोरो,
पर हाणे छाकाणि त सिंध में कुझु मसला हलनि था ऐं ख़ासि तौर ते जेका उहा छोकिरी आहे जंहिंजी अगवा जी ॻाल्हि पई हली कोर्ट में, उन जे हवाले सां इहो यकी सिंध हाई कोर्ट जो हिकिड़ो मुसलसल हिन ते इसरार हुयो हुन छोकिरीअ खे पेश कयो वञे, ऐं पुलिस जी कारकर्दगीअ मां असांजी कोर्ट जेका आहे उहा मुतमइन न हुई। हिन दफ़े बि जेके रिमार्क्स वर्बल रिमार्क्स ॾिना विया हुया उहे बि उन पस मंज़र में हुया त पुलिस जी का प्रोग्रेस नज़र न आई हुई, इन करे वर्बल हुननि वर्बली कुझु अहिड़े क़िस्म जा रिमार्क्स न हूंदा। पर ॻाल्हाए त हाणे वर्बल रिमार्क्स ते जो को बि कानूनी का हैसियत न हूंदी आहे, जेको बि ऑडर हूंदो आहे उहो राइटिंग में हूंदो आहे, इन करे मां नथो सम्झां त वर्बल रिमार्क्स ॾियण का अहिड़ी का वॾी ॻाल्हि आहे। ज़ाहिर आहे जज ॾिसनि था पुलिस जी कारकर्दगी ठीकु कोन्हे, हुननि खे मजबूरनि कॾहिं कॾहिं हबे तबे बि करणो थो पवे ऑफिसरनि खे। बाक़ी जेका तव्हां ॿी ॻाल्हि कई त वफ़ाक ऐं सूबो मिली था आई जी लॻाइनि, इहा ॻाल्हि बि दुरुस्त आहे, छाकाणि त हिकिड़ो टिनि चइनि पननि जो हिकिड़ो मुआदो आहे जेको वफ़ाक ऐं सूबनि जे विच में कुझु साल पहिरियों कुझु 20-25 साल पहिरियों 1990s में कयो वियो हुयो, जंहिंजे तहत इहे ऑफिसर सिंध में लॻनि था, आई जी थी वियो ऐं तव्हांजा चीफ सेक्रेटरी थी वियो। जंहिं मुंहिंजे पंहिंजी अंडरस्टैंडिंग इहा आहे त इन एग्रीमेंट जी का बि आइनी हैसियत कोन्हे, का बि कानूनी हैसियत कोन्हे। जेकॾहिं को प्रोविंस इहो एग्रीमेंट ख़तमु करे छॾे त उहो को बि आइनी या को ग़ैर कानूनी कमु न कंदो, छाकाणि त आइन में जेको पुलिस आहे ऐं अमन अमान आहे, अमन अमान जी जेको सब्जेक्ट आहे उहो सिधो सओं असांजे सूबनि वटि आहे। इन करे उन सूबे जी जेका हुकूमत आहे उनजी ज़िमेदारी आहे त उहो कहिड़ा ऑफिसर थी लॻाए ऐं पंहिंजे प्रोविंशियल काडर मां थी लॻाए या फेडरल ऑफिसर थी घुराए, इहो उन प्रोविंस जे हुकूमत जो अॻिली सरकार आहे। इन करे हे जेको इहो निज़ाम हले थो इहो मां सम्झां थो त बिल्कुलु ग़ैर क़ानूनी कमु आहे, ग़ैर आइनी कमु आहे। त तव्हां हिन वक़्तु सुबुह मां 3-4 नाला वेंदा आहिनि आई जी जे लाइ, पोइ उन मां हिकिड़ो नालो फेडरल गवर्नमेंट सिलेक्ट कंदी आहे, पोइ आई जी लॻंदो आहे। ऐं जेकॾहिं फेडरल गवर्नमेंट में पार्टी मुख़्तलिफ़ आहे, प्रोविंस में पार्टी मुख़्तलिफ़ आहे, त पोइ उन्हनि जो पाण में टकराव बि शुरू थी वेंदो आहे। इन करे मां सम्झां थो त हिन ते बि हिकिड़ो ई दफ़ो सिंध हुकूमत खे आइनी तशरी कराइणु घुरिजे, छा फेडरल गवर्नमेंट जा जेके ऑफिसर आहिनि उहे पंहिंजी सिंध का बि प्रोविंशियल हुकूमत जेकॾहिं नथी चाहे उन्हनि खे लॻाइणु, छा फेडरल गवर्नमेंट ज़बरदस्ती लॻाए सघे थी? इहो जेको एग्रीमेंट करायो वियो हुयो उन दौर में जॾहिं नवाज़ शरीफ जी हुकूमत हुई ऐं हिते सिंध में बि जेको आहे उन्हनि जी हुकूमत हुई, ख़बर नाहे कहिड़ी हुकूमत हुई, गौसली शाह हो या केरु हुयो, त उन दौर में इहो जेको आहे जॾहिं एग्रीमेंट थियो हुयो, हाणे 18th अमेंडमेंट खां पोइ उन एग्रीमेंट जी मां नथो सम्झां त का कानूनी आइनी हैसियत आहे। सही। अच्छा शाहब साहब, आख़िरी सवाल आहे, मुख़्तसर जवाबु ॾिजो त जेके वर्बल रिमार्क्स हुजनि था उन्हनि जी कहिड़ी ज़रूरत हुजे थी, ऐं जीअं तव्हां पहिरियां बि ॻाल्हि कई त उनजी कानूनी का हैसियत नथी हुजे, या जेका पर्सनल ऑब्ज़रवेशन हुजे थी अदालत में, कोर्ट रूम में, ऐं जेका जज साहिबान जी, त उनजी कानूनी हिसाब सां कहिड़ी हैसियत हुजे थी जेकॾहिं उहे उन ऑडर ते नथा लिखिया वञनि? असांजो इन में जेको हिन वक़्तु जेको असांजी जेका मीडिया आहे उन में उनजो बि रोल आहे त कॾहिं कॾहिं उहे रिमार्क्स आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिपोर्ट थींदा आहिनि, बल्कि होॾां अंदरि कारवाई पई हलंदी आहे, हेॾां जेको आहे पटियूं हलणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि, त उन सां बि हिकिड़ो कॾहिं कॾहिं कंफ्यूजन पैदा थींदो आहे त कोर्ट में तमामु हिकिड़ा सख़्तु क़िस्म जा जुमिला था इस्तेमालु थियनि। पर अक्सर ईअं हूंदो आहे त कोर्ट जे अंदरि जॾहिं बि का रिपोर्ट घुराइबी आहे, जज साहिबु जॾहिं को ऑडर कंदो आहे त तव्हां कंप्लायंस करे अचो, घड़ी घड़ी वॉर्निंग्स ॾींदो आहे तव्हांखे, जेको आहे सो टाइम ॾींदो आहे, तव्हांखे मोहलत ॾींदो आहे, पर उनजे बावजूद बि जेकॾहिं कंप्लायंस नथी थिए
इदारन की कारकर्दगी बेहतर ना उन मान जे बुनियादी इंसानी हक उन पामाल थन तो यो लाजिम आ जज साहब जो सो जाहिर वो पे कावड़ गुस्से को इजहार कह पर उनको जो कावड़ गुस्सो जो लफ्जी है जो सिर्फ रिमार्क्स ही हद ती है उनकी का कानूनी उनमें को उनको को असर को हों महज सिर्फ को इजहार है गुस्से जो या रदमल जो ठीक है उनका मकसद यही हों को ऑर्डर थियल है उनके इंप्लीमेंट करा दे ठीक है वरी मेहरबानी शाह साहब तुम असो टाइम दिनों नाजरीन प्रोग्राम जारी है वा ब्रेक।